हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम और मेरे चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक नया वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर क्लिक करेगा कि मेरे क्योंकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का मैं रिव्यू करूँगा रियलमी 8 जो नया फ़ोन लॉन्च हुआ है उसके बारे में। तो देखिए, मेरे पास तो कुछ खुद का फ़ोन नहीं है, मैं खुद मुझे क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ, मुझे कोई फ़ोन देगा नहीं, तो मैं एक न्यूज़पेपर के अखबार से बता पढ़ के आपको रिव्यू बताऊंगा। तो मैं जो बताऊंगा उसमें माइनस पॉइंट भी होगा और प्लस पॉइंट भी होगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं खुद रिव्यू नहीं किया इसके लिए जब वहाँ पर किसी आपको प्लस पॉइंट ही बताऊंगा और फ़ोन का प्रमोशन करूंगा। ठीक है, मैं वही फ़ोन का रिव्यू करता हूँ जहाँ पर थोड़ा माइनस पॉइंट रहेगा ही रहेगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चलिए। हेलो दोस्तों, तो मैं फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो देख सकते हैं मैं रिव्यू आपको पढ़ के सुनाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, पिछले महीने तो क्या था, पिछले महीने यानी मार्च में रियलमी ने ग्राहकों के लिए अपनी रियलमी 8 सीरीज़ को भारत में लॉन्च किया था। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत रियलमी 8 और रियलमी 8 प्रो का उतरा गया था। हमारे पास इस सीरीज का रियलमी 8 स्मार्टफोन है जो मिड रेंज फ़ोन है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास इस डिवाइस का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मौजूद है। अच्छा, नीचे की ओर चलते हैं, इसका डिज़ाइन के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, रियलमी 8 का साइबर सिल्वर कलर वेरिएंट मौजूद है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन एक बार जो यहाँ पर गौर करने वाली बात है वो ये है कि फ़ोन के बैक पैनल पर उंगलियां के निशान काफ़ी आसानी से पड़ जाते हैं। लेकिन आपको इस बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कंपनी ने रिटेल बॉक्स में बैक कवर दिया है जो रियर पैनल पर निशान ना पड़े इसके लिए आपको दिए गए हैं। अच्छा, फ्रंट में आपको इसका स्क्रीन के बाईं तरफ पंच होल में सेल्फी कैमरा है और साइड में वो ब्रेजल्स पतले है और चिन भी ज़्यादा मोटा नहीं है। फ़ोन की ग्रिप हाथ में अच्छी रहती है। रियर पैनल पर कैमरा मॉड्यूल है जो कि थोड़ा ऊपरा हुआ है। कैमरा मॉड्यूल में LED फ्लैश के साथ 4 रियर कैमरा दिए गए हैं। रियर चैनल पर डियर टू लिप की ब्रांडिंग नज़र आएगी जो रियलमी का ब्रांडिंग ये ठीक है लोग मोटो है जो। अच्छा, निचले हिस्से में USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक और स्पीकर ग्रिल है। तो वही फ़ोन की बाईं तरफ सिम कार्ड ट्रे है। ग्राहकों के लिए कंपनी ने 2 सिम कार्ड ट्रे और माइक्रो SD कार्ड के लिए अलग से एक ट्रे दी है। फ़ोन की दाहिनी तरफ पावर और वॉल्यूम बटन दिए गए हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों, 5000mAh की दमदार बैटरी जान फूकने का काम करती है। लेकिन उसके बावजूद इसका हाथ में पकड़ते वक्त कभी भी ऐसा नहीं लगता कि फ़ोन भारी है या कि यानी कि फ़ोन बहुत ही हल्का या फिर कह लीजिए लाइट वेट है, क्योंकि इसका वज़न सिर्फ 177 ग्राम है। अच्छा, इसका डिस्प्ले के बारे में बोलता हूँ, इसका डिस्प्ले 6.54 इंच फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले है। फ़ोन में वीडियो देखना हो या गेम खेलना हो, इस फ़ोन को 7 रिव्यू के दौरान बढ़िया मल्टीमीडिया अनुभव हुआ है। स्क्रीन पर कलर्स अच्छे से दिखाई देते हैं। बता दें कि फ़ोन के पिक ब्राइटनेस 1000 nits से, ऐसे में दिन की रोशनी में स्क्रीन पर कंटेंट पढ़ने में भी किसी को कोई मुश्किल नहीं होती है। तो आप लोगों की जानकारी लेके बता दें कि फ़ोन के 180Hz टच स्पेलिंग रेट के साथ आता है जो गेमिंग के दौरान बेहतरीन टच रिस्पॉन्स प्रदान करता है। परफॉर्मेंस के बारे में बोलता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसका स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हेलियो G95 गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है। इस फ़ोन के साथ रिव्यू के दौरान गेमिंग अनुभव बढ़िया रहा। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि रिव्यू के दौरान हमने रियलमी मोबाइल फैन ग्रैंड ऑफ फ्री फायर गेम खेल के देखा कि आधे घंटे तक लगातार गेम प्ले करने के बाद भी ये फ़ोन लैग नहीं हुआ और पैनल गर्म भी नहीं हुआ। तो बता दें कि फ़ोन का जो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट है और गेम खेलने से पहले इन लोगों ने गेम की सेटिंग्स में कुछ बदलाव किए थे जो कि रेजोल्यूशन और FPS को हाइपर और ग्राफिक्स को भी अल्ट्रा पर सेट करके इन लोगों ने गेम खेला। अच्छा, रियलमी ने इस मिड रेंज फ़ोन को सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर है जो फ़ोन को तेज़ी से अनलॉक करना है। फ़ोन में ग्राहकों को फेस अनलॉक फीचर भी मिलेगा और रिव्यू के दौरान फेस अनलॉक फीचर से कोई शिकायत नहीं हुई इन लोगों को, और यह फीचर भी फ़ोन के तेज़ी से अनलॉक करने में मदद करता है। रियलमी 8 एक मिड रेंज स्मार्टफोन है जिसका 4GB रैम
120 GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 14,999 रुपये और 6 GB रैम की कीमत 15,999 रुपये है। और टॉप वेरियंट में 8 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज है। बता दें कि इस मॉडल के लिए 16,999 रुपये खर्च करने होंगे आपको। तो तीन वेरियंट है, तीन का तीनों प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। इसका सॉफ्टवेयर के बारे में बोलता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 पर आधारित है और रियलमी UI 2.0 पर काम करता है। गूगल ऐप्स के अलावा फ़ोन में आपको प्री इंस्टॉल कुछ ऐप मिलेंगे, वो है फेसबुक, अमेजोन हे, टैप क्लाउड, सोलो और हे फैन। एक बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है वो है ऐप्स के इंस्टॉल, अनइंस्टॉल या फिर कह लीजिए हटाया भी जा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है उसमें। इसका बैटरी है 5000 mAh की बैटरी जो, और 30 W इसका चार्ज सपोर्ट करती है। चार्जिंग स्पीड को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि फ़ोन की बैटरी 65 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। और रिव्यू के दौरान इन लोगों ने पाया कि फ़ोन की बैटरी को चार्ज होने में लगभग इतना ही टाइम लगता है। अच्छा, फ़ोन को यदि आप बेसिक इस्तेमाल करते हैं तो कुछ घंटे तक बीच वॉचिंग, थोड़े टाइम तक गेम प्ले और पूरा दिन सोशल मीडिया ऐप्स को चलाना, नेविगेशन और कैमरा ऐप का इस्तेमाल करना, तो भी फ़ोन की बैटरी पूरी साथ नहीं आती है। कैमरा के बारे में बता दें, इसका कैमरा फोटोग्राफी के लिए 64 MP का क्वाड्रियल कैमरा सेटअप है। इसके साथ 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 MP मैक्रो और 2 MP का डेप्थ कैमरा सेंसर है। दिन की रोशनी में फ़ोन की प्राइमरी कैमरा सेंसर को कैप्चर तस्वीर अच्छी आई, जिन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना किया जा सकता है। वही रात में इन लोगों ने कुछ तस्वीर को खींचा था, जो कुछ तस्वीर जहां लाइट पर्याप्त मात्रा पर नहीं आई थी वो आया जगह, और जहां पर लाइट अच्छी से तरह जगह रिजल्ट अच्छे आए, और कम लाइट में इसका कैमरा अच्छा नहीं होता रात को। तो सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ़ोन में फ्रंट में सिर्फ 16 MP कैमरा दिया गया है। दिन के समय फ्रंट कैमरा से अच्छी फ़ोटो आती है, लेकिन रात में फ़ोटो की क्वालिटी ठीक ठाक आती है। कैमरा ऐप में यूजर्स को नाइट पोर्ट्रेट, 64 MP, एक्सपर्ट स्लो मोशन जैसे मोड्स मिलेंगे। कैमरा ऐप में हम जो फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है कि डुअल व्यू वीडियो। इस फीचर्स की मदद से यूज़र को एक ही समय एक साथ फ्रंट और बैक कैमरा को शूट कर सकते हैं। वीडियो शूट करते वक्त भी फ़ोन 5x जूम सपोर्ट करता है, लेकिन इतना जूम करने पर क्वालिटी बढ़िया नहीं आता। तो बता दें कि वीडियो शूट करने के वक्त अल्ट्रा स्पीड मोड का इस्तेमाल किया जा सकते हैं। बता दें कि ग्राहक इस फ़ोन के साथ 720p 1080p या फिर 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन 4K शूट पर अल्ट्रा वाइड लेंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा 720p और 1080 पर शूट करने के वक्त फ्रेम रेट को 60 FPS या फिर 30 FPS अपनी सुविधा अनुसार सेट कर सकते हैं आप लोग। तो मुद्दे की बात है कि इसको खरीदे या नहीं। हम लोग फ़ोन का डिज़ाइन पसंद आया, लेकिन बैक कवर की फ़ोन के बिना इस्तेमाल करने पर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। तो फ़ोन का डिस्प्ले परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। वहीं कैमरा के दिन में रोशनी और रात में जहां लाइट पर्याप्त मात्रा में बढ़िया है, तस्वीर कैप्चर करने के लिए रात में सेल्फी की फ़ोटो क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती थी। तो कुल मिलाकर फ़ोटो की क्वालिटी दिन में रोशनी में प्राइमरी कैमरा से हो या फिर सेल्फी कैमरा से हो, बिल्कुल भी निराश नहीं करती है। ठीक है, तो बस इतना ही था, फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय। आज के लिए बस इतना ही, फिर दूसरे दिन मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की। अगर मैं ग्रो हो गया तो ज़रूर एकदम रियल फ़ोन के साथ रिव्यू करूँगा। तो सपोर्ट करते रहिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा वीडियो कैसा हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, थैंक यू भाई लोग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।